भोले बाबा की आगरा से भी कुछ जुड़ी हैं कड़ियां। आज भी भोले बाबा के मानने वाले अपना माथा टेक कर मनोकामनाएं करते हैं पूरी। दूसरी तरफ क्षेत्रवासी कहते हैं कुछ नहीं, सिर्फ अंधविश्वास है। तथा कथित भोले बाबा का आगरा से भी है पुराना नाता। करीब 14 साल पहले तक आगरा में भी रहता था ये तथा कथित भोले बाबा। आज भी आगरा के शाहगंज क्षेत्र के केदार नगर में स्थित है बाबा का मकान। सूत्रों के मुताबिक करीब 14 साल से बंद पड़ा है ढोंगी बाबा का मकान, लेकिन आज भी पहुंचते हैं बाबा के बंद पड़े मकान पर बाबा के अनुयायी। यूपी ब्यूरो प्रमुख नदीम अब्बास की खास रिपोर्ट। मेरा नाम गगन। यहाँ ये मकान कितने साल से बंद पड़ा है? ये काफी सालों से बंद पड़ा है। अच्छा, तो क्या क्या कितने बजे से लोग आते हैं? ये सुबह 3-4 बजे से चालू हो जाते हैं। क्या आस्था है? कोई आस्था नहीं है, वैसे आते हैं, मत्था टेक के चले आते हैं, कुछ नहीं मिलता है। आस्था क्या? आस्था तो अंधविश्वास है। कितने साल से आप यहाँ? मेरा बचपन निकल गया यहाँ से, बचपन से, अब इतना बड़ा था जब से मैं देखता आ रहा हूँ। हाँ, गलत क्या है? महिला आती है और सुबह से आती है, शाम को शाम तक आती रहती है, जाती रहती है, कुछ नहीं है। और ये जब इन्होंने एक लड़की ली थी गोद, तो कम से कम ऐसे थी 17-18 साल की लड़की थी वो, और इन्होंने पता नहीं क्या मतलब उसे जो कहते थे जिंदा कर देंगे, कमरे बंद रखते थे उसे, तो वो एक्सपायर हो गई थी, पता नहीं क्या नशे वसे में रखते थे उसे, क्या पता नहीं ये करते थे, आप ही निराकार आप ही साकार के ये लगाते थे, तो संदेश लगाते थे, वो लड़की ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद मल्ले के चौतरा ले गए थे ये, तो वहाँ पर भी इन्होंने यही किया था, तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन आया था, पुलिस प्रशासन आया तो उसके बाद में यही हुआ था कि वहाँ पे पुलिस आई थी, तो वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था, इन्होंने पता नहीं क्या पुलिस वालों पे भी लाठी का चार्ज किया था, पुलिस वालों पे जब काबू नहीं हुआ तो उन्होंने और प्रशासन बुलाया था, फिर उन्होंने लाठी चार्ज किया इनके ऊपर। जैसा कि आपने बताया पुलिस प्रशासन आया था, इन्होंने अपनी खुद की भी पुलिस बना रखी है। हाँ, इन्होंने खुद की भी पुलिस बना रखी है, वाइट ड्रेस पहन के आती है और उन पे वो लगे होते हैं डंडे वंडे सब, और महिला भी है इसमें कुछ पुलिस बन के आती है जो वो पिंक कलर की ड्रेस पहन। क्या मानना है, यहाँ आस्था है या एक अंधविश्वास? कुछ नहीं है, अंधविश्वास है, आस्था कहाँ है? हाँ, कोई मंदिर है यहाँ पे? क्या है, मकान है, खाली मकान है, उसमें ताला लगा रहता है, ऐसे तो कोई भी आता चला जाता है। उससे क्षेत्रीय लोगों में कुछ दिक्कत होती है? दिक्कत तो काफी लोगों को होता है सर, ये बताओ सुबह से शाम तक आता, किसी के घर में चोरी हो जाए तो किसी को क्या पता पड़ेगा, क्योंकि रात को निकलने वाले जा रहे हैं, आप किसको पकड़ोगे? ये जो निवास है किस जगह है इनका? ये निवास तो सब केदारनगर। उसे जगह को क्या कहते हैं? केदारनगर शागन जागरा डी ब्लॉक, केदारनगर डी ब्लॉक। क्या नाम है? मुन्नी। कहाँ रहती हैं आप? ताजगंज। ताजगंज से आप केदारनगर आई हैं बाबा जी के ये निवास पर, इतने क्या रोज आती हैं आप? नहीं, रही बेटा कल अच्छा, किसने बताया था आपको यहाँ पर? अच्छा, नहीं किसी ने बताया था होगा बाबा जी के बारे में? ताजगंज की तरफ से? अच्छा, तो कोई चमत्कार हुआ आपके साथ, कुछ बदलाव? अच्छा, तो मतलब बाबा जी के यहाँ मत्था टेकने से आपने अरदास मांगी तो आपकी वो पूरी? संगत में जाती हुई है मैं तो। अच्छा अच्छा, मैं कहीं ना हूँ कल में। अच्छा, कल हाथरस? अच्छा, तो मतलब कितने साल, कितने टाइम से आ रही हो आप? 7-8 महीने से आ गई हूं। अच्छा, वहाँ के क्षेत्रीय लोग भी आते होंगे? तो मतलब चमत्कार है बाबा के अंदर, है बहुत सभी लोगों का भैयरवानी। तो ये यहीं से आप मत्था टेकते हो, अरदास पूरी हो जाती है? अच्छा, सत्संग में जाते हैं। अच्छा, ये दरवाजा खुलता नहीं है कभी? नहीं। तो यहीं से क्या एकदम दर्शन कैसे हो जाते हैं? माता टेके चले जाते हैं। अच्छा, तो वहीं मतलब इनकी चौखट की अगर कर लिया तो मुराद पूरी होती है, है? ठीक है।